खबर पलामू जिले के दो विभिन्न प्रखंड पाटन व चैनपुर में कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा पारित किए गए योजनाओं में पाटन प्रखंड के खजूरी पूर्णाडी व चैनपुर प्रखंड के तलिया व मंडी पंचायत अंतर्गत ग्राम चेड़ाबार में शिलान्यास किए गए। कब्रिस्तान के चार दीवार निर्माण योजना में पूरी तरीके से जिले के अधिकारी व सरकार की आंखों में धूल झुकी गई। मामला तब प्रकाश में आया जब जिले के कल्याण पदाधिकारी के सूचना के बगैर इन दोनों प्रखंडों में कब्रिस्तान चार दीवार निर्माण कार्य चुपके से उस जमीन पर शुरू कर दी गई जिस जमीन पर पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा है, अर्थात दोनों ही जगह में जमीन विवादित है। जबकि दोनों ही जगह फर्जी आम सभा कर यह दिखाया गया है कि जमीन पर कोई विवाद नहीं है और किसी भी ग्रामीण का इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि ग्रामीण ने जब इसकी सूचना जिले के कल्याण पदाधिकारी को लिखित रूप में दिया तब जाकर निर्माण कार्य बंद कराई गई। सवालिया निशाना तो उन प्रखंड के अंचलाधिकारियों पर खड़ा होता है जो आंख बंद करके बिना जांच पड़ताल के पैसों के दम पर भ्रष्टाचार करते हुए सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर बड़े पैमाने पर सरकार व ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों ने इन दोनों योजनाओं में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी की सूचना लिखित रूप में पलामू उपायुक्त को भी अवगत कराया है। अब देखना यह है कि जिले के अधिकारी इस योजना के पैसों का खेल करते हैं या उचित जांच पड़ताल कर योजना को निरस्त करते हैं। वहीं पाटन प्रखंड के ही उताकी पंचायत के ग्राम मंझौली में आदिवासी कला संस्कृति भवन निर्माण में मुखिया द्वारा ग्रामीणों के बगैर सूचना के फर्जी आम सभा कर आदिवासी समुदाय को धमकी दी जा रही है कि जहां जाना है जाओ, दूसरा कोई आम सभा नहीं, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पाटन प्रखंड के बतौर प्रभारी IAS अंचला अधिकारी को सूचित कर पुनः आम सभा के लिए पत्र भी जारी कराई गई जिसकी पूरी अनदेखी स्थानीय मुखिया ने किया और आज तक कोई आम सभा नहीं हो पाई है। कहीं न कहीं जिले के ऐसे उच्च अधिकारियों के निर्गत पत्र को भी लगातार अनदेखी की जा रही है। आइए देखते हैं जिले के दफ्तरों की दर दर की ठोकरें खाते ग्रामीण जनता ने द न्यूज रेवोल्यूशन पर खास बातचीत में क्या कुछ कहा। द न्यूज रेवोल्यूशन इस वक्त मैं उपस्थित हूँ पलामू जिले के समाहरणालय परिसर में जहाँ पर पाटन से कुछ लोग उपस्थित हैं, पाटन के खजूरी पूर्णाडी से भी और आपके उताकी पंचायत के मंझौली गांव से भी कुछ लोग उपस्थित हैं और इनका क्या शिकायत है और यहाँ क्यों उपस्थित हैं मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। हमारे बीच वहाँ के कुछ जनता लोग हैं, मैं उनसे पहले बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह चेरो, ग्राम उताकी। यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं, क्या काम से? हमारे यहाँ भूमकोरिया भवन का निर्माण होना है जो कि आदिवासी का खेल का जो है से केंद्र बनना है। वहाँ पर का मुखिया प्रतिमा देवी जो है स्थल पर आम सभा करना था लेकिन आम सभा स्थल पर नहीं करके एक फर्जी आम सभा करके किसका माध्यम से ठेकेदारी वो करना चाह रही है मुखिया समझे। हम लोग बहुत चिल्लाए, अंचल पदाधिकारी पाटन को मैंने दरखास्त दिए, बहुत मांग किए लेकिन वो भी नहीं। फिर मेदिनीनगर में उपायुक्त पलामू के भी दिए, समाज कल्याण पदाधिकारी को भी दिए और पलामू उप विकास आयुक्त को भी दिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। अगर इसका सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग जितना भी उताकी ही नहीं पाटन प्रखंड के जितना भी हम लोग चेरो जाति जनसमूह है सब हमको जो भी कर्म करना पड़ेगा हम लोग सड़क पर उतर करके और अपना हक लेने का मांग करते ही रहेंगे चाहे इसके लिए जो भी हो। धूमकुड़िया भवन बनना था, वहाँ के स्थानीय मुखिया क्या नाम है उनका? प्रतिमा देवी। और वो अपना मनमानी तरीके से काम करना चाह रहे का, काम करना फर्जी आम सभा करके उसने जो है से लाभुक समिति बनाना था, किसको बनाया हम लोग को कोई पता नहीं है वहाँ के आदिवासी को, अब लाभुक समिति का ही काम करना उसमें है। देखिए कहीं ना कहीं जो कल्याण पदाधिकारी का निर्देश है या कल्याण विभाग से जो भी अभी धूमकुड़िया भवन या चार दीवारी का निर्माण होना है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में आदिवासी के लोग जो हैं ग्राम सभा आम सभा करके उनके लाभुक के उन्हीं के लाभुक के तहत वो कार्यक्रम होना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिचौलिया है जो दलाल है वो कहीं ना कहीं इस मामले में खेल कर रहे हैं। हमारे बीच एक और मामला है पाटन प्रखंड से खजूरी गांव से, आपका क्या मामला है? मेरा नाम सुमर सिंह चेरो है, ग्राम खजूरी का निवासी हूँ। ग्राम खजूरी टोला पूर्णाडी के अंतर्गत एक योजना लिया गया है कब्रस्थान चार दीवारी का, उसमें मनमानी ढंग से ग्राम सभा कर लिया गया है और मैं उसको अंचल में जानकारी दिया,
जिला कल्याण पदाधिकारी के पास जानकारी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या मतलब वहाँ चार दीवारी का निर्माण हो रहा है, तो आपको क्या आपत्ति है उसमें? मेरा आपत्ति यही है कि उस जमीन पर खाता 159 प्लॉट 620 में हम लोग का आदिवासी चेहरों का बंटवारा द्वारा 17 एकड़ 25 डिसमिल कोर्ट द्वारा मिला है और उसी पर कब्रस्तान का दीवारी करना चाह रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जो आम सभा होता है उसमें ये निर्धारित किया जाता है कि कौन से ज़मीन पे बनना है, और वो ज़मीन कहीं विवादित तो नहीं है, उस पर कोई किसी को आपत्ति तो नहीं है, ये आम सभा में तय होता है। इसके बाद जाके उसको COCI उस पर वेरीफाई करते हैं, तब जाके ये योजना का जो है पास आउट होता है। लेकिन इनका कहना है कि उस ज़मीन पे इनका हक है और वो ज़मीन जो है इनका है, और इनसे बिना सलाह लिए उस ज़मीन पे वो निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया गया है। तो आपने क्या आपत्ति जताया है? आपत्ति हम यही जताया है कि उन लोग वर्क ऑर्डर कार्य नहीं करने दिए हैं। हम चार बार हमने रोका, जिसे भी ले गया वो घुमा दिए हम, फिर बालू गिरा रहा था वो सब हमने रोक दिया कि स्थल पर मेरा ज़मीन है, हम नहीं काम होने देंगे। कहीं ना कहीं अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से बैठकें करके, आम सभा करके और जिला प्रशासन को, जिला अधिकारी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, या तो यहाँ के पलामू के उपायुक्त हों या फिर कल्याण विकास पदाधिकारी हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए, जिला कल्याण पदाधिकारी को, कि आखिर ये कैसा मामला, ये कैसे इस तरीके से जनता के बीच से आउट हो रहा है। कहीं ना कहीं गलत तरीके से, मनमानी तरीके से मुखिया हो या जनप्रतिनिधि, वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा दबाव में या फिर मनमानी तरीके से ये काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। हमारे बीच और भी सदस्य हैं, क्या आप लोगों ने आवाज़ उठाया है? क्या आवाज़ उठाए हैं आप लोगों? मैं अरुण कुमार सिंह सेरो, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जिला मेंबर हूं। मैं बहुत दिन से मैं देख रहा हूं कि आदिवासियों के प्रति जो है प्रशासन या जनप्रतिनिधि के द्वारा जो आदिवासियों का हक अधिकार है, उन लोग जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के और आदिवासियों का हक अधिकार छीन रहे हैं। जबकि फिलहाल जो है ग्राम उताकी में धुमकुड़िया भवन निर्माण होना है, उसमें ग्राम सभा कर लाभुक समिति का चयन करना था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया पति श्री इंदल महतो जी तथा प्रखंड के और जो पदाधिकारी हैं, जैसे पंचायत सेवक हो गए, कर्मचारी हो गए, अमीन हो गए, फिर CI हो गए, इस तरह से सारे लोग का जो है ग्राम सभा कर लाभुक समिति का चयन कर अंचल अधिकारी को सौंपना था, इसके बाद कल्याण विभाग में भेजना था। लेकिन ऐसा नहीं करके उन लोग फर्जी तरह से जो है पैसा का बदौलत जो है टेबल पर करके ही जो है उन लोग रजिस्टर सौंप रहे हैं। लेकिन वहाँ के आदिवासी जागरूक हैं, उन लोग दो दो बार जो है आवेदन दिए और दो दो बार वहाँ के अंचल अधिकारी जो है निकाले लेटर, फिर भी जो है इतना ढीठ है उताकी पंचायत के मुखिया कि वो ग्राम सभा नहीं कराए। किनको आपने, कौन से वहाँ पे अधिकारी थे जिनको आपने एप्लीकेशन दिया था और अब तक कार्रवाई नहीं? वहाँ के जो पाटन के प्रभार में IAS अफसर थे, जो CO के पद पर वहाँ पर कुछ दिन के लिए पदभार थे, उनको दिया गया था। अब 25 तारीख को वहाँ से वो चले गए, आ गए जिला में, और पुनः जो है वहाँ अभी अंचलाधिकारी का पद मिला है, और उनके पास जो है मतलब ये मंगलवार को जो है जैसा पता चला है कि पुनः वही रजिस्टर जो पुराना था, जो वापस किए थे, वही सौंप दिया गया है। तो यहाँ के उताकी की जनता जो है, हालांकि जो है कल्याण पदाधिकारी को लेटर दिए हैं, उपायुक्त महोदय को भी दिए हैं, लेकिन कल्याण पदाधिकारी जो है बोल रहे हैं जिस भाषा में कि जानते हैं ना कैसे होता है, तो इससे साफ जाहिर है कि हम मांग करते हैं कि जिला प्रशासन या राज्य के जितने भी हैं मुखिया मंत्री, हम मांग करते हैं कि आदिवासियों का जो प्रति जो हनन हो रहा है उस पर जो है अविलंब जो है कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी का पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से देंगे, जबकि गैर आदिवासी लोग जो हैं आदिवासी के नाम पर भले भूले लोग को जो है बुर्वक बना करके वो ठेकेदारी करना चाहते हैं, इसको जो है रोक लगानी होगी। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि इसको अविलंब कदम उठाया जाए, नहीं तो हम अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले हम सड़क पर उतरने का। ये जो कल्याण विभाग से जितने भी कार्य अभी चल रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा, चाहे वो धुमकुड़िया भवन निर्माण हो, चाहे वो चार दीवारी का निर्माण हो, कहीं ना कहीं मनमानी तरीके से वहाँ के स्थानीय मुखिया हर जगह
अभी आप पाटन प्रखंड से दो गांव मैंने आपको दिखा दिया कि दो गांव के लोग यहां उपस्थित हैं, पाटन के उताकी से और खजरी पुरनाडी से। एक मामला चैनपुर प्रखंड के चिड़ाबार से भी है, जहां पर भूमि विवाद में जिस जमीन पे वो चार दीवार का निर्माण किया जा रहा है वो भी जमीन जो है अभी विवादित है। आपको सोचने की ज़रूरत है यहाँ के अधिकारियों को, खास करके जिला कल्याण पदाधिकारी को और उपायुक्त को, कि आखिर कैसे आम सभा हो जा रहा है। कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के लोगों को धोखे में रखकर और फर्जी आम सभा कराकर इस तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। जब उस जमीन पे लड़ाई चल रही है फिर उस जमीन पे निर्माण कैसे हो सकता है, जबकि आपका जो आम सभा का ये नियम कहता है कि वो जमीन विवादित नहीं होना चाहिए और सबकी सहमति के साथ वहाँ पे वो निर्माण होना चाहिए, लेकिन आज भी धड़ल्ले के साथ लगातार किया जा रहा है। इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी करने की ज़रूरत है। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।